हिसार में कोविड 19 के चलते लॉकडाउन में घरों में रह रहे लोगों के मानसिक स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव को जाना गया। जीजेयू की टीम ने उत्तर भारत में अध्ययन किया है, जिसमें हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान व पंजाब राज्य की महिलाएं तथा पुरुष ऑनलाइन सर्वे में शामिल हुए थे। रिसर्च के अध्ययन में पाया गया कि लॉकडाउन में परिवार के साथ जहां 65.68% महिलाएं मानती हैं कि परिवार संबंधों में सुधार हुआ है, तो 34.32% पुरुष भी इस बात से इत्तफाक रखते हैं। वहीं लॉकडाउन के दौरान क्रिएटिव वर्क में भी महिलाएं आगे रही हैं। 59% महिलाओं ने क्रिएटिव वर्क किया तो 30% पुरुषों ने रचनात्मक कामों में समय बिताया है। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी की सीनियर रिसर्च वंदना मलिक, उनके गाइड प्रोफेसर राकेश कुमार व असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर पूनम ने मिलकर उत्तर भारत के लोगों से ऑनलाइन कुछ सवालों के जवाब जाने थे। जानकारी के अनुसार रैंडम सैंपलिंग के जरिए 15 से 75 साल तक के लोगों ने अपने जवाब दर्ज करवाए। सैंपल समूह की औसत आयु 27.67 वर्ष रही है। इसी अध्ययन में कुल 539 लोगों से अपने जवाब दर्ज करवाए हैं, जिसमें से 450 नॉर्थ इंडिया से थे। इनमें से 63% महिलाएं व 37% पुरुष शामिल हुए। रिसर्च टीम ने 24 प्रश्नों की प्रश्नावली में 15 प्रश्न मेंटल हेल्थ से जोड़कर पूछे, जिसके विभिन्न आयु वर्ग के लोगों से राय ली गई, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं, जिनमें लोगों के लॉकडाउन के दौरान 1 मई से 7 मई तक अपने जवाब दर्ज करवाए गए। हिसार के गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय मनोवैज्ञानिक विभाग की PhD ICMR सीनियर रिसर्च वंदना मलिक ने बताया कि ऑनलाइन सर्वे की रैंडम सैंपलिंग के जरिए 15 से 75 साल तक के लोगों ने अपने जवाब दर्ज करवाए हैं। सैंपल समूह की औसत आयु 27.67 वर्ष रही है। इसी अध्ययन में कुल 539 लोगों से अपने जवाब दर्ज करवाए गए हैं। वहीं महिलाओं ने माना है कि लॉकडाउन के दौरान बिताए जाने वाला समय परिवार के लिए काफी अच्छा साबित हुआ है। 65.68% महिलाओं का कहना है कि इससे पारिवारिक संबंधों में सुधार आया है। वहीं 34.32% पुरुषों ने इसे स्वीकारा है। वहीं बात की जाए परिवार के साथ खुशी की, तो 62% महिलाओं ने कहा कि वे इस दौरान खुशी का अनुभव कर रही हैं। तो वहीं 37% पुरुष भी ऐसा मानते हैं। इस दौरान क्या आपने क्रिएटिविटी में हाथ आजमाया? रिसर्च के मुताबिक 30% पुरुषों ने खुद को क्रिएटिव आइडिया में हाथ आजमाने की बात की, तो वहीं 59% महिलाएं भी इसमें आगे रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के चलते अपनों से जुड़े रहने का माध्यम सोशल मीडिया को बनाए जाने की बात को 57% महिलाओं व 32% पुरुषों ने माना है। क्या इस समय में आपने अकेलापन महसूस किया? वहीं लॉकडाउन में 20% लोगों का मानना है कि अकेलापन महसूस करना पड़ा। 75% लोगों के परिवार के साथ से तनाव महसूस ना होने की बात स्वीकारी गई। वहीं इस दौरान अपने स्वास्थ्य व जीवन शैली तथा कार्य क्षमता में बदलाव भी महसूस किए गए। कार्य क्षमता में बदलाव के लिए 53% पुरुषों व 46% महिलाएं भी ऐसा मानती हैं। अपनों से ना मिल पाने व लोगों से दूरी बनाए रखने के व्यवहार पर भी प्रभाव पड़ा। इस सवाल पर 25% महिलाएं व 20% पुरुषों ने कहा कि उनके व्यवहार पर इसका प्रभाव दिखाई दिया। वहीं 16% पुरुषों व 9% महिलाओं ने इस दौरान मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ने की बात को स्वीकार किया है। वहीं 28% पुरुषों व 41% महिलाओं ने इसका मानसिक स्तर पर किसी प्रकार का प्रभाव ना पड़ने की बात कही है। इसके साथ ही 59.77% लोगों ने इस दौरान अपने खान पान की आदत में बदलाव की बात को भी स्वीकारा। हिसार से संवाददाता विनोद सैनी की खास रिपोर्ट। हमने एक रिसर्च की है जो कि हम गूगल फॉर्म के द्वारा की थी। इसमें हमने इसको नाम दिया था लॉकडाउन एंड यू। तो ये हमने डिफरेंट स्टेट्स में भी इंडिया के भेज दिए थे। तो यहाँ हमने इसको फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से एक दूसरे के पास भेजा था और हमारे पास टोटल 539 ऑल इंडिया से रिस्पॉन्स आए थे, जिसमें से कि 450 जो हमारे पास रिस्पॉन्स थे वो नॉर्थ इंडिया से थे। इसमें उत्तर भारत में हमारे पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान आदि ने भाग लिया था, और जो कि हमारे पास टोटल 450 सैंपल थे।
इसमें हमने 1 मई से लेके 7 मई तक हमने डेटा कलेक्ट किया है, और इसमें हमारे पास जो डेटा आया है सबसे ज़्यादा वो फीमेल्स का आया है, और फीमेल्स ने बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया था, और मेल्स का हमारे पास फीमेल की तुलना में कम है। हमारा अभी जैसे निष्कर्ष इसमें निकला है कि फैमिली रिलेशनशिप इसमें काफ़ी अच्छे हुए हैं। इसमें जो कुछ क्रिएटिव वर्क भी लोग ज़्यादा कर रहे हैं, जिससे कि उनकी मेंटल हेल्थ पे काफ़ी अच्छा असर पड़ रहा है। हमारे पास इसमें टोटल 24 आइटम्स थे, जिसमें से कि 15 आइटम जो थे हमारे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड थे। इसमें हमारे पास 450 में से 283 जो हमारे पास थे वो फीमेल्स थी, 167 मेल्स थे। 62.89% हमारे पास फीमेल हैं और 37% मेल हैं। हाँ जी, हम माने तो कि जैसे अभी सारे लोग एक साथ मिलके घर में रह रहे हैं, तो इससे कि आपस में बातचीत कर रहे हैं, उनके जो बीच में प्रॉब्लम्स थी या कोई और बात थी तो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो रही है। तो इसमें जो छोटे बच्चे हैं अगर हम उनको भी लें तो पेरेंट्स जो हैं उनकी तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और आपसी तालमेल ज़्यादा बैठ रहा है, सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसमें जो हमारे पास एज आई है वो है 15 to 75 ईयर्स, लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। इसमें जो थे हमारे पास यूथ एवरेज एज जो निकाली जाए वो 27 है, ठीक है। इसमें कि जैसे आता है कि पहले जो मेल्स थे वो बाहर रहते थे, जिसकी वजह से काम का और अदर उन पे प्रेशर रहता था, बर्डन भी बहुत ज़्यादा रहता था, तो इसकी वजह से अब जो है वो बर्डन बहुत कम हो गया है और वो फैमिली में इसकी वजह से भी रिश्तों में काफ़ी सुधार आया है। अभी मैं यहाँ पर PhD कर रही हूँ और ICMR की तरफ से SRF हूँ। ये जो रिसर्च है ये मेरे साथ हमारे PhD स्कॉलर हैं डॉक्टर पूनम जी, और उनके अलावा मतलब वंदना है हमारे PhD स्कॉलर, और तो इन्होंने किया मिलके, और बेसिकली इन दोनों बच्चों ने ही काम किया। इसमें जो लॉकडाउन के दौरान जो है मतलब पारिवारिक क्या परिवार के रिश्ते जो हैं आपस में कैसे हैं इसको जानने की कोशिश की, और इसके अलावा मेंटल हेल्थ का लेवल कैसा है इस दौरान, कैसा फील कर रहे हैं लोग, तो ये जानने का एक छोटा सा प्रयास था। और इसमें जो है काफ़ी अच्छे हमारे पास रिजल्ट आए, मतलब हमें लगा कि भी हमें जिस ढंग से लग रहा था कि भी 1.25 महीने लॉकडाउन में रहने के बाद लोग जो हैं काफ़ी सफोकेटेड से फील कर रहे होंगे, लेकिन रिजल्ट्स में ऐसा कुछ नहीं आया। काफ़ी सारी गृहिणियों ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान वो परिवार के ज़्यादा पास आए, सारे परिवार में कोहेसिवनेस बढ़ी है आपस में, और इसके अलावा जो आपस के रिश्ते जो हैं ये सुधरे हैं काफ़ी। रिश्तों में जैसे कि परिवार जो है पहले क्या है कि भी इतना टाइम आपस में साथ में नहीं गुजारते थे, तो लेकिन एक ही इस सर्वे के थ्रू हमने जानने की कोशिश की कि इसमें जैसे कि भी किस तरीके से रिश्तों में सुधार आया, तो उसके कि भी एक तो कि भी जैसे कि जो घर के काम हैं वो सभी के सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं और आपस में ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, बातचीत करते हैं, जिसकी वजह से कि जो रिश्ते हैं उनमें काफ़ी सुधार आया है और लोगों में एक दूसरे का जो टॉलरेंस लेवल है वो बढ़ा है। नो डाउट अखबारों के थ्रू हमें जैसे कि ये पता चल रहा है कि इसी दौरान डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी बढ़ रहे हैं, लेकिन वो एक आस्पेक्ट है, लेकिन दूसरा आस्पेक्ट ये भी है कि जहाँ सभी परिवारों में डिटेरियोरेशन ही नहीं हुई है, बहुत सारे परिवारों के रिश्तों में आपस में सुधार हुआ है और उनके रिश्ते सुदृढ़ भी हुए हैं। ये जो ज़्यादातर की भी जो मेल हैं वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनके परिवार जो हैं वो पारिवारिक रिश्ते ज़्यादा वो हुए हैं, सुदृढ़ हुए हैं फीमेल्स के अलावा, और बाकी जो ज़्यादातर जो हैं वो हमारे PhD स्कॉलर हैं वंदना, वो आपको बताएंगे इसके बारे में। प्लीज़ आप सभी को मेरा नमस्कार। आई एम डॉक्टर पूनम, असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, गुरु जम्बेश्वर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी हिसार। हाल में हम लॉकडाउन की परिस्थिति से गुजर रहे हैं, जिसका प्रभाव पुरुषों, महिलाओं एवं वयस्कों पर पड़ रहा है। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना हम इस प्रभाव को अध्ययन करें। इस कार्य में ऑनरेबल प्रोफेसर राकेश कुमार बैमनी, मिस वंदना मलिक, हम तीनों ने मिलकर एक सर्वे क्वेश्चनेयर प्रिपेयर किया, जिसमें 24 क्वेश्चंस थे जो कि सोशल लाइफ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, आइसोलेशन से रिलेटेड थे। नॉर्थ इंडिया से 450 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें से 249 पुरुषों एवं महिलाओं का जो है लो लेवल ऑफ मेंटल हेल्थ आया है, जो कि नॉर्मल लेवल को दिखाता है, वो नॉर्मल मेंटल हेल्थ है, और
201 पुरुषों एवं महिलाओं का जो है हाई लेवल ऑफ मेंटल हेल्थ आया है, जो कि यह शो करता है कि उनमें जो है उनका स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो रहा है, उनमें जो है मूड स्विंग्स आ रहे हैं, उनका एग्रेसिव बिहेवियर हो रहा है और वो जो है कंसंट्रेट भी नहीं कर पाते हैं। थैंक यू। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.